प्यारे बच्चों, आज हम बॉयज़ अकाउंट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एच एस महान ने, यह जहाज़ का नाम है, 1 अप्रैल 2019 को मुंबई से लंदन एवं वापसी के लिए जहाज़ी यात्रा प्रारंभ करी। यानी मुंबई से लंदन जाएगा और वापस वहाँ से आएगा, है ना। मुंबई टू लंदन जाना और आना, ये दो बातें होनी हैं। यात्रा 31 मई 2019 को समाप्त हुई। आप देखिए, अप्रैल 1 को शुरू हुई थी, है ना, और समाप्त मई को हो रही है, 31 मई को। तो कितने महीने हो गए? 2 महीने। तो जितने भी खर्चे, अगर कोई भी वार्षिक दे रखा है, फॉर द एनुअल दे रखा है, हमें उस खर्चे को 2 महीने का ही लेना है, क्योंकि यात्रा में 2 महीने ही हैं। वह बाह्य यात्रा में चाय का प्रेक्षण ले गया और वापसी यात्रा में ऊनी वस्त्र लाया। जाते समय चाय और आते समय ऊनी वस्त्र। जहाज 24,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर बीमित था। अंडरलाइन कर ले, वार्षिक प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम है। तो 24,000 × 2/12 करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद में निम्नलिखित विवरण से जहाजी यात्रा खाता तैयार कीजिए। तो अब अपने को ये सारा क्वेश्चन दे रखा है, हमें बहुत सिंपली ये तय करना है कि इसमें इनकम कौन सी है। तो इनकम पे मैं राइट लगाता हूँ, ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, क्लियर। और उसके अलावा नीचे भी अन्य कोई सूचना नहीं है। तो इनकम के रूप में अगर हमने देखा तो 3 चीज़ें ही इसमें आती हैं। तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है कि वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हो गए। एक्सपेंडिचर्स में पोर्ट चार्जेस, कोल, वेजेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्टोर्स परचेज्ड। उसके बाद में इस तरफ आपके दे रखा है एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल दिया है तो 2/12 करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टोर्स एंड कोल इन हैंड, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की तरह हो गया। तो इसे हम चाहें तो इधर जो स्टोर है ना, स्टोर और कोल, इसमें से हम इसको घटा दें, या इसे अपोजिट साइड में लिख सकते हैं। तो हम इसे अपोजिट साइड में लिख देंगे, यानी इसे सीआर साइड में हम लिख देंगे इस क्वेश्चन में। दक्षता कमीशन यानी एड्रेस कमीशन, ये देखो, 4% ऑन आउटवर्ड है और 5% ऑन रिटर्न है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। एड्रेस कमीशन भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, कल हमने बात की थी। आगे, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट अर्न बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस तरह के कमीशन को चार्ज करने से पूर्व, है ना, तो जब भी पूर्व लिखा हो तो सीधा सीधा कमीशन दिया जाता है, यानी 10% लेना है तो 10/100 लिखना है, क्लियर। अगर पश्चात लिखा होता, आफ्टर लिखा होता, तो 10/110 हो जाता, ये इतना सही है। तो ये तो हो गया पूर्व का फॉर्मूला, और 10/110 ये किसका फॉर्मूला होता है? पश्चात का, नोट कर लेना। तो ये इतना ही क्वेश्चन है। अब अपने इसे सॉल्व करते हैं टेबल बनाकर। ये आपका फॉर्मेट हो गया वॉयस अकाउंट। इसमें इधर डीआर साइड हो गया, और डीआर साइड में एक्सपेंसेस आते हैं, और इधर आपके सीआर साइड हो गया, इस तरफ आपके इनकम आती है, ठीक है। तो आपके सबसे पहला जो खर्चा दे रखा है वो आपके दे रखा है इंश्योरेंस। तो सबसे पहले लिखें शिप इंश्योरेंस। तो टू शिप इंश्योरेंस, और वो आपके 24,000 दे रखा है, × 2/12, तो ये आपके 4,000 आ जाएगा, 4,000। उसके बाद में टू पोर्ट चार्जेस, टू पोर्ट चार्जेस में आपके आ जाएगा 4,800। उसके बाद में टू कोल, वो आपके है 30,000। उसके बाद में टू वेजेस, लाइन टू लाइन चलना है, वो आपके है 12,000। पचास 50,000 है क्या?
50,000, फिर उसके बाद में टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है, 12,000, फिर अगला टू स्टोर्स परचेज्ड, टू स्टोर्स कितना है, 16,000। आगे चलते हैं इस तरफ, एनुअल डेप्रिसिएशन है तो लिखेंगे टू डेप, तो डेप 84,000 पूरे साल का है, तो इंटू 2/12 कितना होता है, 14,000। उसके बाद में इनकम दे रखी है तो वो इस तरफ लिखेंगे बाय फ्रेट, वो आपके है आउटवर्ड के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे आउटवर्ड, और अमाउंट दे रखी है 1,10,000। उसके बाद में फ्रेट इनवर्ड दे लिखना है, तो बाय फ्रेट इनवर्ड, या जिसको हम रिटर्न भी कह सकते हैं, वो आपको दे रखी है 75,000। उसके बाद में पैसेज मनी, तो इनकम है तो बाय पैसेज मनी, वो आपके दे रखी है 10,000। और उसके बाद में स्टोर्स इन हैंड है, तो मैंने कहा कि वो इधर या तो लेस कर दो या इस तरफ लिख दो, तो हम इस तरफ लिख देंगे, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, तो स्टोर इन हैंड, ये क्लोजिंग है, कितना हो गया, 6,000। उसके बाद में इसने नीचे पैराग्राफ में कहा एड्रेस कमीशन, तो लिखें टू एड्रेस कमीशन, तो एड्रेस कमीशन में दो लिखने हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड, तो आउटवर्ड का वो कहता है 4% है, 4% किसका, इसका 1,10,000 का, इसमें प्राइमेज है नहीं वरना प्राइमेज जुड़ जाता, कितना आता है, 4,400, और इसका है 5% है, और वो 75,000 का लेंगे, इसका कितना होता है, 3,750। उसके बाद में मैनेजर कमीशन बाद में दिया जाएगा, अब आपका काम यहाँ तक होता है कि आप इन सब की टोटल लगाएंगे। सबसे पहले सीआर की टोटल लिखेंगे, तो वो टोटल लगाओ कितनी है, इसमें से डीआर की टोटल घटा देनी है, तो सीआर की टोटल बोलना कितना है, 2,01,000, इसमें से डीआर की टोटल यहाँ तक जितनी हुई, 1,38,950 घटा देंगे, 62,050, ये प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट, ऑब्वियस है, सीआर में इनकम होती है उसमें से एक्सपेंडिचर घटाया तो ये प्रॉफिट होना है। अब आपको करना क्या है कि मैनेजर कमीशन देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, तो 10% लेना है किसका, ऑफ 62,050 का, 62,050 का, कितना आता है, 6,205। तो अब आपको क्या करना है, अब ये जो कमीशन आया ना वो यहाँ पे कमीशन घटा दो, 6,205 ये घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 55,845। तो इसे आप यहाँ पे लिख भी देंगे, इधर टोटल लगाएंगे इस तरफ की और इस तरफ की भी टोटल लगाएंगे, कितना आता है, इधर की टोटल बोलना पहले, 2,01,000, इधर की टोटल थोड़ा नीचे लिख देंगे,
है ना, ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पहले प्रॉफिट लिखना पड़ेगा ना। तो टू नेट प्रॉफिट कितना आया, 55,845। ये बैलेंसिंग फिगर आप लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा और यहाँ की टोटल आएगी 1,000। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन आप देखें, हमने सॉल्व कर लिया है ना, कंप्लीट क्वेश्चन आया, आंसर मैच हो गया। फाइनल आंसर कितना दिया हुआ है, 55,840। जैसे ही आंसर मैच करता है आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, डेबिट क्रेडिट करना है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, सीधा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है एसएस सागर ने 1 जून 2019 को मुंबई से लंदन और वापसी के लिए यात्रा प्रारंभ की, यात्रा 31 जुलाई 2019 को पूर्ण हुई। ठीक है, तो आप देखिए जून को शुरू हुई, जून में और जुलाई में, तो 2 मंथ यात्रा चली, जून और जुलाई। उसके बाद में वह कॉफ़ी का सामान बाह्य यात्रा पर और बिजली का सामान वापसी यात्रा में ले गया। जहाज 24,000 रुपये का प्रीमियम था, वार्षिक शब्द को अंडरलाइन कर लो, तो 24,000 × 2/12 करना है। निम्नलिखित सूचनाएं आपके सामने हैं, इसमें सबसे पहले इनकम लगा देते हैं, ये इनकम है, ये इनकम है, और पैसेज मनी, ये इनकम है ना। उसके बाद में यहाँ पे एक प्राइमेज शब्द और दे रखा है, ये प्राइमेज भी इनकम है, तो इनकम इतनी ही है। उसके बाद में आगे जो दे रखे हैं वो क्या क्या हैं देखें, पोर्ट ड्यूज खर्चा है, सैलरी एंड वेजेज खर्चा है, मिसलेनियस खर्चा है, बंकर कॉस्ट खर्चा है, स्टोर खर्चा है, डेप्रिसिएशन एनुअल दे रखा है तो 2/12 लिखना है, ये भी खर्चा है। लाइटरीज मतलब अब ये जो माल को चढ़ाना और उतारना होता है, तो ये भी खर्चा है। एड्रेस कमीशन 5% है आउटवर्ड के लिए और 4% है रिटर्न के लिए, तो ये एड्रेस कमीशन अभी किया ही था। स्टोर्स एंड कोल इन हैंड 3,000, तो ये हम CR साइड में लिख देंगे। कमीशन टू द मैनेजर इज पेबल एट 5% ऑन ऑफ द प्रॉफिट अर्न ऑन द वॉयस आफ्टर चार्जिंग, इस बार शब्द क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग, तो 5% है तो 5/105, ये अपने को लेना पड़ेगा फार्मूला, बस ये इतना ही क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे लगता है कि दो चीज़ें नहीं आई, एक तो प्राइमेज नया आया है और ये एक आफ्टर चार्जिंग लिखा है, इसके अलावा इस प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। तो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो खर्चों में लिखना है इंश्योरेंस, तो नंबर 1, 2 इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है, हाँ बेटा 24,000 × 2/12 4,000। उसके बाद में सारे लाइन टू लाइन बोल दो बच्चों, पोर्ट ड्यूज है, टू पोर्ट ड्यूज कितना है, 5,000। नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेज कितना है, 50,000। उसके बाद में आपको दे रखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है, 11,600। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है फ्रेट दे रखा है, तो बाय में लिखेंगे, फ्रेट कितना है, आउटवर्ड एक लाख और दूसरा इनवर्ड या जिसको हम रिटर्न कहते हैं 70,000। बंकर कॉस्ट लिखी है तो 2 बंकर कितना है, 30,000। उसके बाद में स्टोर्स 2
स्टोर्स है 16,800, फिर टू एनुअल डेप्रिसिएशन है तो टू डेप लिखना है, एनुअल 96,000 है, इनटू 2/12 करना है, 16,000 लिखना है। उसके बाद में टू बाय पैसेज मनी हो जाएगा, कितना है 10,000। और उसके बाद में लाइटरेज, ये खर्चा होता है माल को उतारने और चढ़ाने का, कितना है 8,000। चार्ज शब्द लिखा हुआ है, खर्चा है 5,000। उसके बाद में एड्रेस कमीशन है, तो एड्रेस कमीशन लेने से पहले हमेशा यहाँ पे अपने को प्राइमेज लेना पड़ेगा, तो बाय प्राइमेज, तो प्राइमेज आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों पे अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो 5% प्राइमेज कहता है भाड़े पर, क्योंकि भाड़े दो हैं अलग अलग, तो ये भी अलग अलग ही आएगा। तो ऐट द रेट 5% ऑफ 1,00,000, और ऐट द रेट 5% ऑफ 70,000। तो 1,00,000 का 5% 5,000, और 70,000 का 5% 3,500। हो गया, कोई दिक्कत कह रहे बच्चों? अब हम एड्रेस कमीशन ले सकते हैं, तो इस तरफ लिखेंगे टू एड्रेस कमीशन। तो एड्रेस कमीशन में भी दोनों आएंगे, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड का परसेंटेज है कितना, 5%, और इनवर्ड का है 4%। किसका? एफ, फ्रेट प्लस प्राइमेज। इसमें भी फ्रेट प्लस प्राइमेज, फ्रेट प्लस प्राइमेज इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आउटवर्ड का फ्रेट है और ये प्राइमेज है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाता है 1,05,000। तो 1,05,000 का कैलकुलेट करो, सबसे पहले 5%, 5,250 आउटवर्ड का हो गया। अब इसी तरीके से अपने को क्या करना है, किसका लेना है, इनवर्ड के लिए लेना है। तो इनवर्ड का ये रहा, यहाँ पे 70,000 तो हो गया इनवर्ड का भाड़ा, और इस पर प्राइमेज हो गया 3,500, तो इन दोनों को जोड़ कर लेना है, तो कितना होता है 2,940। यानी फ्रेट एफ प्लस पी, फ्रेट प्लस प्राइमेज दोनों को जोड़कर उसका 5% और 4% लेना, ये बात मैंने आपको कल सिखाई थी। अब उसके बाद में आगे लिखा है प्रश्न में, स्टोर्स इन हैंड है, तो वो इधर आ जाएगा, बाय स्टोर इन हैंड। क्लोजिंग स्टॉक इधर ही तो आता है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की तरह हो गया, कितना है 3,000। बस इतना ही क्वेश्चन है, सारी बातें आ गई हैं। मैनेजर का कमीशन पहले नहीं कैलकुलेट होगा, पहले टोटल लगेगी। तो अब आप यहाँ पे प्रश्न में सबसे पहले नीचे लिखें टोटल, पहले CR लिखेंगे, फिर लेस करना है टोटल BR, फिर यहाँ पे उसको घटा देंगे, तो जो प्रॉफिट आया उस पर आपके कैलकुलेट होगा लेस कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन जो है वो 5/105 होगा इस प्रॉफिट का, उसको घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आंसर आएगा। तो बताइए CR की टोटल कितनी है, 1,91,500। DR की टोटल यहाँ तक की 1,46,950, घटाएंगे 1,46,590, घटाएंगे कितना आता है 44,910।
दस इस 44,910 का 5/105 करना है, 138 है ना, तो 139 कर दो, तो इसको घटाएंगे तो नेट फाइनल आंसर आएगा 42,770 771, ये आपका आंसर हो जाएगा, दिया हुआ होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो देखो, टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन वर्किंग नोट लिख दो, क्योंकि वर्किंग नोट में हमने इसको कैलकुलेट किया है, सही है ना, तो वर्किंग नोट में कितना आया, 2139, क्यों 2139, और टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ये भी हमने कैलकुलेट किया, कितना था 42,771, और अब आप इसकी दोनों तरफ से टोटल लगा दें, टोटल आपके आ जाएगी कितने, 191,500, 191,500 हो गया प्यारे बच्चों सवाल। ये हिस्सा भी सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, DRCR का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन इसमें आपके वन स्क्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। SS सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से कोलकाता के लिए 1 जनवरी 2019 को जहाजी यात्रा प्रारंभ की और 31 मार्च 2019 को पहुंच गया, तो जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च, तो जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च, तो 3 महीने 3 मंथ हो गया, तो सारा क्वेश्चन 3 मंथ के बेस पे चलेगा, 3/12 हो गया। सामान में 900 टन खाद्यान्न सामग्री और 100 टन इंजीनियरिंग सामान था, भाड़ा दर ₹150 प्रति टन के लिए तथा ₹100 प्रति टन इंजीनियरिंग सामान के लिए थी, तो बस ये फ्रेट कैलकुलेट करने के लिए देखो, खाद्यान्न सामान जो है ना 900, इसकी गुणा तो करनी है 150 से, तो ये हो जाएगा 1, और 100 टन इंजीनियरिंग सामान था इसकी रेट कितनी थी 100, इसकी गुणा करनी है, यानी भाड़ा जो है वो 900 × 150 एक आ जाएगा और 100 × 100 एक आ जाएगा, तो ये जो आएगा वो आपके फ्रेट हो जाएगा 145,000, 35,000, दोनों का टोटल बोल दो, 145,000, ये दोनों का टोटल आएगा, फ्रेट हो गया। इसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा 10% था, एडिशनल 10% जैसे प्राइमेज होता है ना, तो वैसे इसको लिखना है, तो आप इसको प्राइमेज लिख दो, तो प्राइमेज कितना परसेंट है, 10%, तो वो भाड़े पर कैलकुलेट होगा, देखो इंग्लिश में ऐसा ही लिखा है, प्राइमेज वॉज 10%, ठीक है। आगे ब्रोकरेज वॉज पेबल एट 5%, ब्रोकरेज कितना देना था 5%, तो वो खर्चा हो गया है ना, तो ये 5% जो निकलेगा ना उस पर वो फ्रेट प्लस प्राइमेज पे निकलेगा, बस इतना याद रखना है, 5% नोट करते जाओ सारा। अब आगे देखते हैं, आगे आपके अन्य सूचना ये है, ऑस्ट्रेलिया और कोलकाता दो अलग अलग स्थान के लिए दे रखी है, इससे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को, सिर्फ सीधा यही करना है कि जो खर्चे हैं उनको जोड़ते हुए लिखना है बस, यानी अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा, दो अलग अलग कॉलम नहीं बनेंगे और दोनों जोड़ते हुए चलेंगे, जैसे ये कोल टू डीजल और ये कोयला है तो ये खर्चा है, तो टू शब्द लगना है, यानी टू कोल एंड डीजल डेबिट साइड में आएगा। पोर्ट ड्यूज है तो 9,000 + 2,000 तो 11,000 लिखना है। हार्बर चार्जेस मतलब बंदरगाह शुल्क होता है तो ये भी खर्चा है, जोड़ देना है। लोडिंग चार्जेस 2,000 है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, खर्चे हो गए, टू में लिखने हैं। अदर एक्सपेंसेस में स्टोर, डिस्चार्जिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज और सैलरी, चारों ही खर्चे हैं, ये भी टू में आएंगे, क्लियर। आगे लिखता है जहाजी यात्रा के लिए जहाज 10,00,000 रुपये पर 1% की दर से बीमित था, ठीक है, तो 10 लाख का 1% अपने को कैलकुलेट करना है, वो इंश्योरेंस का आएगा, कितना आता है कैलकुलेट करना,
टू इंश्योरेंस आ जाएगा 10 लाख का 8%, 10,000 रुपये ये आपका हो जाएगा इंश्योरेंस का, टू में लिखना है। भाड़े का बीमा, प्राप्त भाड़े की राशि पर आधा प्रतिशत की दर से करवाया गया, तो वो लिखते हैं ना टू, फ्रेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। तो इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट जो है वो कहता है आधा प्रतिशत से है। तो भाड़ा हमारा 1,45,000 निकाला था क्या? 1,45,000 है ना, प्लस प्राइमेज हो जाएगा इसमें, भाड़ा प्लस प्राइमेज जो हमारा 5% है उसको जोड़कर उस पर कितना परसेंट देना है? 0.5% से लेना है। आधे का मतलब क्या हो जाएगा? 0.5%। जहाज के अपलिखित मूल्य पर 5% की दर से हास लगाया जाता है। तो अपने को भाड़े पर ये जो डेप्रिसिएशन है वो वार्षिक दिया हुआ है। नीचे लिखा है 1 जनवरी 2019 को जहाज का मूल्य 8 लाख था, तो 8 लाख का 5% निकालेंगे इंटू 3/12 कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा और जहाजी यात्रा खाता तैयार करना है। ये इतना ही क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखें तो सीआर साइड में ये दोनों पॉइंट्स आएंगे, फ्रेट आ जाएगा और प्राइमेज आ जाएगा। अब डीआर साइड में देखते हैं जल्दी से एक बार सारे पॉइंट। तो पहला ब्रोकरेज हो जाएगा, दूसरा कोल एंड डीजल, वो आपके कितना है? ये 1+2 है, मतलब दोनों जोड़ के लिखने हैं, पहले का और दूसरे का। तो कितना है? 20,000, सारे 1+2 ही करने हैं। दूसरा कितना है? पोर्ट चार्ज, तो ये भी 1+2 है, कितना? 11,000। फिर हार्बर, हार्बर मतलब भी बंदरगाह ही होता है, BOUR, कितना है? 1+2 है ये भी, 4,000। फिर टू लोडिंग, ये भी 1+2 है, 2,000। उसके बाद में यानी जोड़ते हुए लिखना है, 1+2 का मतलब यही है, आप लोगों के समझने के लिए सफिशिएंट है। आगे स्टोर्स है क्या? टू स्टोर्स 10,000। अगर ये स्टोर्स एनुअल दिया हुआ होता तो क्या करते हैं? तो इंटू 3/12 करते हैं, और अगर महीने का दिया हुआ होता तो इंटू 3 करते हैं। टू डिस्चार्जिंग एक्सपेंसेस कितना है? 2,000। टू पोस्टेज कितना है? 1,000। और उसके बाद में टू सैलरी 10,000। उसके बाद में शिप वॉज इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस लिखना है, टू इंश्योरेंस, तो कितने का है? 10 लाख का 1%, 10,000। उसके बाद में इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट लेना है, तो टू इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, तो वो आपकी कितना परसेंट है? 0.5। ऑफ किसका? F+P, फ्रेट और प्राइमेज जोड़कर कितना आता है? 798, 798। और उसके बाद में टू डेप्रिसिएशन, डेप, तो कितना दे रखा है डेप? 8 लाख का लेना है, 5% लेना है और 3/12 लेना है, 10,000। उसके बाद में सीधा प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट, क्यों सही है ना, और इधर का टोटल लगा देंगे, कितना आता है बेटा टोटल इसका, दोनों तरफ का टोटल बोल रहा था?
इधर का टोटल 1,59,500 और इधर भी 1,59,500 ही आएगा। डिफरेंस से बैलेंसिंग फिगर से आएगा, इसमें मैनेजर कमीशन है नहीं, तो सीधा आंसर आना चाहिए 70,727। ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों, बस ये इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखें छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें मैनेजर कमीशन भी था नहीं, तो सीधा सीधा एक ही पॉइंट में सारा सॉल्व हो गया, बॉयज अकाउंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप HW होमवर्क में करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।